हेलो नमस्ते शश्रीकाल, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मैंगो की रेसिपी। यूँ तो हम मैंगो से मैंगो मिल्क शेक, मैंगो लस्सी बनाते हैं, बट आज हम बनाएंगे कुछ अलग सी रेसिपी जिसका नाम है मैंगो मटका मलाई कुल्फी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे, 1 कप मैंगो पल्प ऐड करेंगे। मैंगो पल्प बनाने के लिए आप मैंगो को अच्छी तरह से पील करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और उसे ब्लेंडिंग जार में डालकर स्मूथ ब्लेंड कर लीजिए। 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मैंगो पल्प के साथ मिक्स करते हुए हमें इसे पका लेना है। ध्यान रहे कि फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। मैंगो पल्प को हमें शुगर डिसॉल्व होने तक और मैंगो का कलर चेंज होने तक पका लेना है। आप देख सकते हो कि मैंगो पल्प का कलर चेंज हो चुका है और शुगर भी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। तो मैंगो पल्प अच्छे से पककर तैयार है। आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ऐसा करने से मैंगो कुल्फी को आप ज्यादा दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हो और इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। मैंगो पल्प को ठंडा होने के लिए रख दिया है, तब तक हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम 250 ml यूज किया है। ध्यान रहे कि आप इसे रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 घंटा पहले चिल्ड होने के लिए रख दें और हमें इस रेसिपी में चिल्ड फ्रेश क्रीम ही यूज करना है, जिससे कि फ्रेश क्रीम थिक पार्ट इसका ऊपर आ जाएगा और वाटरी पार्ट नीचे सेट हो जाएगा। तो आप इसे एक स्पून की हेल्प से थिक क्रीम को बोल में निकाल लें और अब हम इसे एक हैंड बीटर की हेल्प से क्रीम को 10 टू 12 मिनट तक बीट करेंगे। क्रीम को हमें थिक और स्टिफ पिक आने तक बीट करना है। आप देख सकते हो क्रीम हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया है और अब आप देख सकते हो कि क्रीम थिक हो चुकी है और इसमें स्टिफ पिक बनने लगी है। तो क्रीम अच्छे से व्हिप होकर तैयार है और अब हम एक स्पैचुला के हेल्प से किनारों पे लगे हुए क्रीम को एक जगह कर लेंगे और अब हम यहाँ पे मैंगो पल्प ऐड करेंगे और हम यहाँ पे केवल आधा मैंगो पल्प का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बचे हुए मैंगो पल्प को आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हो और उसे अदर रेसिपीज में यूज कर सकते हो। इसे हम एक बार अच्छी तरह से स्पैचुला के हेल्प से मिक्स कर लेंगे। 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे कलर के लिए इसे यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। इसे हम अच्छी तरह से हैंड बीटर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और हमने फूड कलर को अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स कर लिया है और अब हम 1/2 कप फुल क्रीम मिल्क ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी सामग्रियों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम एक स्पैचुला के हेल्प से सारी क्रीम को एक जगह कर लेते हैं और अब हम 3 से 4 पीस इलायची को दरदरा कूट कर इसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हो कि इलायची को हमने अच्छी तरह से दरदरा कूट लिया है और अब हम इसे मैंगो कुल्फी मिक्सचर में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंगो मटका मलाई कुल्फी जमाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मटके लिए हैं और इसमें मैंगो कुल्फी मिक्सचर को हम पोर करेंगे। हम एक स्पून की हेल्प से इन दोनों मटकों में मैंगो कुल्फी मिक्सचर को फिल कर देंगे। और अब आप देख सकते हो कि हमने दोनों मटकों में अच्छे से कुल्फी मिक्सचर को फिल कर लिया है और अब हम इसे 1 से 2 बार टैप करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि अंदर में कोई भी एयर बबल्स ना हो और कुल्फी एक समान मटके में फिल हो जाए। और अब हम इसे बारीक कटे हुए आलमंड से सजा लेंगे, जिससे कि ये स्वाद में भी काफी स्वादिष्ट लगेगा और आप अपने गेस्ट को सर्व करेंगे उस समय भी काफी अट्रैक्टिव दिखेगा ये मटका कुल्फी। मैंने यहाँ पे आलमंड्स का यूज किया है, आप चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं।
और अब हम मटका कुल्फी को एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर किया है, आप चाहें तो इसे क्लिंग रैप से भी कवर कर सकते हैं। मटका कुल्फी को हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर आइस की परत ना जमे, और इसे हम रेफ्रिजरेटर में 8 से 10 घंटे के लिए और ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट के बाद रेफ्रिजरेटर से हमने मैंगो कुल्फी को निकाल लिया है, तो आइए आपको मैं फॉइल हटाकर दिखाती हूँ मैंगो कुल्फी कितने अच्छे से सेट हुई है। और आप देख सकते हो कि कितना टेस्टी, यमी, सॉफ्ट एंड क्रीमी मैंगो मटका मलाई कुल्फी बनकर तैयार हुआ है। तो इस ईद के मौके पे आप इस हटके डेजर्ट को जरूर ट्राई करें और अपने मेहमानों को सर्व करें। अगर आपको मेरे मैंगो मटका मलाई कुल्फी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय।